कि जंगे मैदान में जो पीठ दिखाकर भागे उसे कायर कहते हैं, जंगे मैदान में जो पीठ दिखाकर भागे उसे कायर कहते हैं। अब कुछ कहते हैं रॉकी भाई तो कुछ पुष्पा की तरह फायर कहते हैं, कुछ कहते हैं रॉकी भाई तो कुछ पुष्पा की तरह फायर कहते हैं। और आप सबके बीच भरी महफिल में सुनाने आया शायरी, मुझे शान शायर कहते हैं। कि क्या है खता मेरी बताकर तो देखो, अपनी गलती ना माने तो कहना। क्या है खता मेरी एक बार बताकर तो देखो, अपनी गलती ना माने तो कहना। एक बार प्यार से शर्मा कर तो देखो, हम सर ना झुका लें तो कहना। एक बार प्यार से शर्मा कर तो देखो, हम सर ना झुका लें तो कहना। और एक बार उसको साड़ी पहना कर दो देखो, अपनी वाली को ना भूल जाओ तो कहना। कि तुम मेरा ख्याल रख सकोगी इतनी अच्छी हो क्या, तुम मेरा ख्याल रख सकोगी इतनी अच्छी हो क्या, मोहब्बत में सच बोलोगी इतनी सच्ची हो क्या। और सुना है तुम्हारे कई आशिकें, यार छोटी बच्ची हो क्या। कि मैंने, हाँ मैंने भी उसका इश्क आजमाया था, कि मैंने, हाँ मैंने भी उसका इश्क आजमाया था, बहुत कोशिश की उसने मेरा दिल तोड़ने की, पर कमबख्त हमने भी अंबुजा सीमेंट से बनवाया था। कि मैं तो अपनी पूरी जिंदगी अपने यारों के नाम करता हूँ, मैं तो अपनी पूरी जिंदगी अपने यारों के नाम करता हूँ। हाँ मेरी वाली बेवफा है, वरी महफिल में ऐलान करता हूँ। कि मुझे उसकी मोहब्बत पर अब शक नहीं, कि मुझे उसकी मोहब्बत पर अब शक नहीं, अब इश्क करने का उसको कोई हक नहीं। अरे यारों मैंने उसे छोड़ दिया, क्योंकि इसके टूथपेस्ट में नमक नहीं। जो अपनी मिठास से मुंह का स्वाद बदल दे, काश ऐसी कोई मिठाई हो। जो अपनी मिठास से मुंह का स्वाद बदल दे, काश ऐसी कोई मिठाई हो। दूध पीने का मजा जब है जब दूध के ऊपर मलाई हो। अरे दूध पीने का मजा जब है जब दूध के ऊपर मलाई हो। और सुबह सुबह जो जगते ही चाय के साथ दो तीन पैग बना दे, यार कोई ऐसी लुगाई हो। कितना दर्द है नासिकों को, कितना दर्द है नासिकों को, मैं सभी का दर्द नापने जा रहा हूं। अपनी अपनी बेवफाओं के किस्से बताओ यारो, मैं मोहब्बत के खिलाफ किताब छापने जा रहा हूं। कि करके इश्क तुझसे इसका दर्द दिल टूटा होगा, ना जाने वो महबूब हमारा हमसे क्यों रूठा होगा। कि करके इश्क तुझसे इसका दर्द दिल टूटा होगा, ना जाने वो महबूब हमारा हमसे क्यों रूठा होगा। और देखने की हिम्मत नहीं हुई मेरी, जब उसकी शादी के मंडप में मेरी जगह कोई और बैठा होगा। कि इंडियन आर्मी के लिए, और थोड़ा ना ध्यान से सुनना, कि आर्मी में जब जाते हैं तो बहुत लोग लिखते हैं आर्मी के लिए, लेकिन मैंने एक आर्मी के बंदे की मन की बात लिखी, या समझ लो ये मेरे खुद की मन की बात है, क्योंकि मैं भी आर्मी में से ही हूँ। तो मैंने लिखी थी उस समय जब थे हम, कि हमारी रक्षा की खातिर एक फौजी अपना सब कुछ बुला देता है, लेकिन उसके मन में क्या होता है ये कोई नहीं जान पाता है। आज मैं अपने फौजी भाइयों के लिए दो शब्द लिखकर लाया हूँ, मैं अपनी तरफ से उनके मन की बात कहने आया हूँ। अपने घर से दूर, अपने बच्चों से दूर, डेरा जमा कर रहता हूँ, आंसू निकलते हैं मेरे लेकिन मैं आंसू छिपा लेता हूँ। दुख भी है अपनों से दूर जाने का, लेकिन मैं उनकी खातिर मुस्कुराता हूँ। और आज मैं आप सभी भारतवासियों से अपने मन की बात कहना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ यूपी के हरियाणा के दिल्ली के हर एक स्टेट के हर एक इंसान से, एक फौजी को ना देखना कभी तुम उसकी अलग पहचान से। एक फौजी जीता है शान से, वो जीता है सम्मान से। एक फौजी जीता है शान से, वो जीता है सम्मान से, और उसकी पहचान होती है सिर्फ और सिर्फ उसके हिंदुस्तान से। क्या आपने सुना होगा, चार दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है, और ये कोई कहानी नहीं, एक फौजी के मन की बात है। माना थोड़ा शरारती थोड़ा मनमौजी हूँ,
लेकिन मैं एक सच्चा देशभक्त, एक फौजी हूँ। मैं आज हूँ लेकिन हो सकता है कल अपना दम तोड़ दूँ। प्यार है जान से ज़्यादा जिस देश से कल मैं से छोड़ दूँ। जिस माँ ने जन्म दिया उस माँ को भारत माँ के लिए कुर्बान कर दिया। जिस बाप ने मुझे पाला उन्होंने अपना एक बेटा दान कर दिया। लेकिन आज मैं आप सभी भारतवासियों से एक बात कहना चाहूँगा, ये जो मेरे मन की बात है मैं इसे खुद नहीं पढ़ पाऊँगा, क्योंकि जब तुम इसे सुनोगे तो मैं अपने देश को छोड़ जाऊँगा। जब मैं नहीं रहा तो मेरे पीछे मेरे माँ बाप अकेले रह जाएंगे। जब मैं नहीं रहा तो मेरे पीछे मेरे माँ बाप अकेले रह जाएंगे। मुझे पता है वो मेरे जाने के बाद खाना नहीं खाएंगे। तुम लोगों को उन्हें मेरी तरफ से खाना खिलाना होगा। तुम सब उनके साथ हो, ये एहसास दिलाना होगा। हाँ, एक और बात, मेरे परिवार का मेरे अलावा कोई और नहीं। अरे, मेरे जाने के बाद उन्हें अकेला रहना पड़े, मुझे पता है मेरा देश इतना कमज़ोर नहीं। ख्याल रखना मेरी बीवी का, मेरे उस बच्चे का जिसके नसीब में बाप का प्यार नहीं। हे भारतवासियों, वो तड़पते हैं सिर्फ मेरे लिए, उन्हें किसी और का इंतजार नहीं। अब एक ही दुआ है आप सभी से, मेरे इस बलिदान को खाली मत जाने देना। हे भारतवासियों, मेरे परिवार को किसी की गाली मत खाने देना। धन्यवाद और जय महाकाल।